आप देख सकते हैं इतना गर्मी है कि हम लोग कार का सनरूफ खोल दिए हैं ताकि हवा अंदर आए, एसी भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग जा रहे हैं अभी छेरकी महल, जो कि आपको मड़वा महल से थोड़ा ही आधा किलोमीटर की दूरी पर है और जंगल है। आप देख सकते हैं पूरा पूरा बहुत ही सुंदर। अगर ठंडी के मौसम में आते हैं तो आपको एक जन्नत की तरह फील होगा, जम्मू कश्मीर में आगे ऐसा लगेगा। मगर आप अब इस टाइम गर्मी में आएंगे तो लगेगा कि छत्तीसगढ़ है। बहुत ही सुंदर है, सनरूप चालू है, आप देख सकते हैं सब कुछ सकल काला हो चुका है, पसीना से भर चुका हुआ है। सब आने टाइम में पूरा क्रीम पाउडर लगा के आए हुए थे, अभी सब काला। चलिए आपको छेरकी महल दिखाते हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं कैसे छोटा सा रास्ता है, सुंदर है। पहाड़ आपको कहीं पर और कहीं पर धूप दिखेगा, देखिए पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर दोनों हो गया ना, अपना सेकंड वाला ऑप्शन में जाना, सेकंड ऑप्शन जो व्यू ऑल शिपमेंट करके लिखा होगा। ये देखिए जा रहे हैं अभी चलते हैं छेरकी महल, आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। और उस महल को भी दिखाते हैं क्योंकि वहाँ बोला जाता है कि वहाँ छेरी का जो है बदबू आता है छेरकी महल, आप देख सकते हैं। तो उस खुशबू को देखते हैं और इतने साल पुराने मंदिर में कैसे अगर किसी छेरी का खुशबू आ सकता है। अभी गर्मी का टाइम है, कोई नहीं आता यहाँ, तो अभी हम लोग आए हैं और आप चलते हैं अंदर। ये तो अभी गर्मी का टाइम है, आपको कोई भी यहाँ पर पर्यटक नहीं मिलेंगे। हम लोग आए हैं और छेरकी महल, जो कि बोला जाता है कि इस महल के अंदर में छेरी का बदबू आ जाता है, जो कि 100 साल पुराना मंदिर है। बोला जाता है कि छेरकी या तो छेरिया जो भी आप बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसका यहाँ पर बदबू या खुशबू आता है ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा, यहाँ के पुराने लोगों के द्वारा। तो चलिए महल लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं पीछे तरफ है। और साथ ही साथ में एक सब गर्मी में सबका हालत ख़राब है और यहाँ पर सब रेडी है और ये दोस्त है हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं। कहा हो योगी राज, चलिए छेरकिया का दिखाइए कि ना। तो ये देखिए यहाँ पर छेरकी महल बोला जाता है दोस्तों इसको, और ये बहुत ही पुराना है। मैं इसके बारे में रिसर्च भी किया, देखा भी, तो बाद में पता चला मेरे को सच में ये इसकी जो बोला जाता है वही है ये। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मूर्ति बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पर प्रवेश द्वार में आप देख सकते हैं कलाकृति, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर शिवलिंग है आपका, देख सकते हैं अंदर में, क्योंकि शिवलिंग आपको हर जगह यहाँ पर मंदिर में हर महल में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और क्योंकि वही प्रभु का ही माना जाता है। और साथ ही साथ में महल देख सकते हैं कैसा छोटा सा महल है, चारों तरफ से देखेंगे तो अलग ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको पूरा, ये देखिए फाइनल व्यू है। अलग अलग महल यहाँ पर है, आपको दो तीन, ये तीसरा महल है। इसको देखने का भी मौका मिला, मैं सोच ही रहा था आऊँगा बोल के, मगर आज आने का मौका मिल गया तो मैं आ गया। मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखा देता हूँ। पुराने ईंटों से बने हुए हैं, क्योंकि ईंट उट समय नहीं था, पुराने उस समय के बने हुए तकनीकी में ही बना हुआ है। और आज के समय में ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर एक पेड़ मिल जाएगा आपको छाँव के लिए, पीपल का, बहुत ही सुंदर है। ये भी छेरकी महल आप देख सकते हैं, पुरातत्व विभाग के अंदर ये भी आता है। और यहाँ एक कर्मचारी हमेशा रहता है जो कि पुरातत्व विभाग की तरफ से रहता है, और यहाँ का देखभाल और सुरक्षा करने के लिए वो आदमी रहता है हमेशा के लिए। चेतावनी भी लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर है। ये सब है हमें इतिहास, हम इसे हमेशा पढ़ते रहते हैं और देखते हैं। और इस महल के बारे में आपको और जानना है तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ में मेरे वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये था कि आपको मैं दिखाया, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है ऐसे नज़ारा अगर देखेंगे आप तो, और बहुत ही खूबसूरत है। और गर्मी का दिन है इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बाकी टाइम में आप शिवरात्रि के टाइम में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ मिलेगा। शिवरात्रि वगैरह में, आपको नवरात्रि वगैरह में बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगा और लोगों की यहाँ पर संख्या बनी रहती है बहुत ही ज़्यादा। आप किस तरह का से ये बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखिए ये महल बहुत ही अच्छा है और खूबसूरत है। अभी धूप का टाइम है और चारों तरफ से मैकल पहाड़ी के पर्वतों से घिरा हुआ ये जगह है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरा पहाड़ी पहाड़ है कहीं न कहीं पर। और ये महल है लास्ट जो कि हम देखने का बचा था, ये महल देखने का मौका मिल गया फाइनली मेरे को। तो आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को और आपको अच्छा से अच्छा जगह दिखाने का मौका मिले। मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो लाते रहूं, और इस तरह से पुराने पुराने हमारे प्राचीन छत्तीसगढ़ के जो भी बने हुए हैं उसको मैं आपको दिखाते रहूँ, और आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलते रहे। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, या तो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, या तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए और इस तरह के महल को देखिए और उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। हमारे इतिहास है, प्राचीन है, जो हमारे प्राकृतिक धरोहर है, जो कि पुराने प्राचीन है धरोहर, उसको बचा के रखना है हमें। और कहीं भी आए तो आप गंदगी ना फैलाएं और यहाँ पर अच्छे तरीके से रखें, ताकि हमारा ये जो महल है हम सर सुरक्षित रहे और हमेशा इसका हम केयर कर सकें। तो चलिए
लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। अब हम भी सुनाए, 5-6 मिनट में गायब बारे में बोलते, वो सही है छेरी की बदबू आते है ऐसे कुछ। तो आपको धूप में सनरूफ कार का मजा दिलाते हुए देखिए कितना सुंदर जगह है और पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। अभी मैं कार में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ का कैसा माहौल है, कितना सुंदर दृश्य है। छोटा छोटा पहाड़ मिल जाएंगे आपको, बहुत ही सुंदर है नज़ारा के साथ में। और इस कार में आप बैठेंगे तो आपको देखिए ये यहाँ से नज़ारा इधर देखने को मिलेगा। कार है सनरूफ वाला है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा कबीर धाम कवर्धा, और आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब करिए, और जरूर चैनल को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा। तो हाय दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है वन पॉइंट ऑफ ऑल में। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज कवर्धा कबीरधाम जिला, जो कि कवर्धा में कबीरधाम जिला में जो कि हमारे खजुराहो का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। छिरकी माल है, साथ ही मड़वा माल है आपको दिखाऊंगा, साथ ही पहाड़ी इलाका है, बहुत ही सुंदर जगह है उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको 3-4 वीडियो अलग अलग देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर है हमारे छत्तीसगढ़ की खूबसूरत दरबार को देखने को मिलेगा, जो कि पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं यहाँ का रोड कितना सुंदर है, जंगल पहाड़ी धूप पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर माल है। तो पान मक्का जा हाँ, मंत्र तो लाल मिला के।